मैंने कोई नई बात नहीं कही, मैंने कोई नए आदेश जारी नहीं किए। पहले से ही आदेश है कि विद्यालयों में विद्यार्थियों को अपनी ड्रेस, जिसको पोशाक और गणवेश भी कहते हैं, वो पहनकर जाना चाहिए। तो मैं भी यही आग्रह कर रहा हूँ। ये आग्रह है या आदेश है? काम लेने वाला चाहिए। सेनापति बदलता है ना, तो सैनिक उतनी उसी तरह से काम करते हैं। अब सेनापति बदल गए हैं, अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा है, अशोक जी गहलोत नहीं है। जिन अधिकारियों पे आरोप लगे थे भाई साहब, वो अधिकारी कैसे बदल जाएंगे? उन पे तो आरोप लगे, आरोप लगे तो उनके यथोचित उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन सीट बदलने से वो ईमानदार हो जाएंगे? यहाँ बेईमानी करते तो वहाँ बेईमानी करेंगे। जयपुर में ही हिजाब और एक स्कूल एक यूनिफॉर्म एक ड्रेस कोड की बात आई, तो उसके बाद से पूरे शहर में बवाल मचा हुआ है उसको लेकर। आपने भी अपना आपका क्या मानना है? मेरा कोई मानना नहीं, मैंने कोई नई बात नहीं कही, मैंने कोई नए आदेश जारी नहीं किए। पहले से ही आदेश है कि विद्यालयों में विद्यार्थियों को अपनी ड्रेस, जिसको पोशाक और गणवेश भी कहते हैं, वो पहनकर जाना चाहिए। तो मैं भी यही आग्रह कर रहा हूँ कि विद्यालय में विद्यार्थियों को, चाहे वो छात्र हो या छात्रा हो, अपनी गणवेश में ही आना चाहिए। ये आग्रह है या आदेश है? ये गणवेश के आदेश पहले से ही दिए हुए हैं, तो आदेश ही है। मैं नया आदेश नहीं मेरा कोई, ये तो कांग्रेस की राजनीति था, ये भारतीय पार्टी की राजनीति भी रहा, पहले भी था, अभी भी है। देखो हमारे देश में सब रेडी, हमारे देश में कुछ लोगों ने हीन भावना पैदा कर दी कि हमारे देश का बना हुआ कोई भी सामान विदेशी सामान से हल्का होता है। मैं समझता हूँ कैसे पैदा हुई मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ आज की तारीख में कि स्वदेशी सामान आल पीछे लगाकर हवाई जहाज तक, मिसाइल तक, पेटेंट टैंक और लड़ाकू विमानों तक हमारे देश में सर्वश्रेष्ठ बन रहे हैं, जिनकी मांग विदेशों में भी है। और जब हमारे यहाँ स्वदेशी सामान बहुत अच्छे हैं तो विदेशी क्यों खरीदे? और यहाँ से जो सामान बनता है उसे कई लाभ है, हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहता है। इसलिए मैंने आदेश दिया है, लिखित में दिया है कि आल पिन से लेकर के बड़ी से बड़ी वस्तु भी, तो जो समाज इसमें शिक्षा विभाग और पंचायत राज में काम आती जिसको आप खरीदते हैं वो नहीं खरीदेंगे। यदि ऐसी स्थिति पैदा होती है आपके सामने कि ऐसी कोई वस्तु हमारे यहाँ है ही नहीं, बनी नहीं रही, मिली नहीं रही, और विदेशी वस्तु का काम ही नहीं चलेगा, तो मेरे स्तर पर यानी मंत्री स्तर पर स्वीकृति ले। भाई साहब एक सवाल और है कि जब आप लोग विपक्ष के अंदर थे तो उस टाइम पे जाहिदा खान के ऊपर मुकेश दादीश ने आरोप लगाए थे और एसीबी के अंदर वो कंप्लेंट भी गई थी, उसके ऊपर एफआईआर करने की भी बात हुई थी। लेकिन आज भी अगर हम देख रहे हैं सरकार तो बदल गई है, आप शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन अधिकारी आज भी वही मौजूद है जो उस समय पे मौजूद थे, इसको किस तरीके से देखेंगे? आप बताइए कि राजस्थान के अधिकारियों का भी जो है राजस्थान में रहेंगे तो राजस्थान में ही रहेंगे। काम लेने वाला चाहिए। सेनापति बदलता है ना, तो सैनिक उतनी उसी तरह से काम करते हैं। अब सेनापति बदल गए हैं, अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा है, अशोक जी गहलोत नहीं है। जिन अधिकारियों पे आरोप लगे थे भाई साहब, वो अधिकारी कैसे बदल जाएंगे? उन पे तो आरोप लगे, आरोप लगे तो उनके यथोचित उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन सीट बदलने से वो ईमानदार हो जाएंगे? यहाँ बेईमानी करते तो वहां बेईमानी करेंगे। हम तो कई बार ये सोचते हैं, हमारा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अधिकारी को वहां ही रखा कर काम करो, क्योंकि उसकी कमी हमको पता है, तो हमसे डरता है, तो वहीं ज्यादा काम करेगा। आज आपने दौरा किया उसको लेकर के भी जो सुबह दौरा किया था स्कूलों का, चार पांच स्कूलों का, इस तरह की अनियमितताएं देखने को मिली थी। आपने खुद शौचालय तक हुआ विजिट किया, देखा वहाँ पर कई जगह गंदगी, साफ सफाई की कमी देखी। देखो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी निरंतर हम सब लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि हमारा देश पूरा साफ चाहिए,
जब पूरा देश साफ चाहिए तो हमारे विद्यालय साफ क्यों नहीं होने चाहिए। हमने स्वच्छता अभियान का भी प्लानिंग की है और हम चाहते पूरा राजस्थान रोज साफ रहे, इस पर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि पैसे की कोई राजस्थान में कमी नहीं। माननीय मोदी जी एफएफसी और स्टेट गवर्नमेंट एसएफसी के नाम से बड़ी राशि पंचायतों को देती है। मेरा मानना है कम से कम सफाई पे ही छोटी से छोटी पंचायत में 5 लाख रुपए साल के मिलते हैं और फिर भी गंदी रहती है वो पंचायत क्षेत्र, गंदा रहता है तो ठीक नहीं है। हम सबको निवेदन करेंगे कि हम सबको मिलकर के राजस्थान साफ रखना है और इसीलिए मैंने ये भी कहा है कि रोज तो जो सरकारी धन से होगी सफाई वो तो होगी होगी, उसके साथ साथ महीने में एक बार वहां के पत्रकारों को साथ लेंगे, वहां के लेखकों को साथ लेंगे, वहां के सरकारी कर्मचारी का अधिकारियों को साथ लेंगे, जनप्रतिनिधियों को साथ लेंगे, सामाजिक धार्मिक आध्यात्मिक कार्यकर्ताओं को साथ लेंगे, स्वयं सहायता समूहों का साथ लेंगे, सब मिलकर के महीने में एक बार उस पूरे गांव की सफाई करेंगे। मैं समझता हूँ यदि मैंने जो सोचा है वो साकार रूप ले लेगा तो राजस्थान निरंतर रोज साफ सुथरा दिखाई देगा। स्कूलों में जो शौचालय हैं उनका निरीक्षण किया, शौचालय हमने बना दिए, स्कूलों में बन गए, लेकिन वहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो स्वच्छ रहने का तो सवाल ही नहीं उठ रहा है उसमें। मैंने अभी जितने निरीक्षण किए हैं उसमें ऐसा नहीं कि पानी नहीं पहुंच रहा, पानी पर्याप्त है, मन की कमजोरी है अधिकारी कर्मचारियों की। लेकिन तब भी राजस्थान में ऐसे बहुत बड़ी संख्या है जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है, स्कूलों में शौचालयों में पानी नहीं पहुंच रहा। देखो पानी नहीं पहुंच रहा तो उस गांव में लोग रहते हैं ना, वो तो कहेंगे सोच जाते हैं पानी तो खर्च होता ही, पानी तो खर्च होता ही, पीने का पानी भी कहीं कहीं से लाते हैं, दूर से लाते हैं, ऐसे ही शौचालय के लिए भी व्यवस्था करें। एनसीईआरटी ने देशभर में सिलेबस में बदलाव किया, सबसे कांग्रेस सरकार ने उसमें सिलेबस में बदलाव नहीं किया, उसे आरएसएस समर्थित बताया था, अब भाजपा सरकार आ गई है, क्या उस सिलेबस में बदलाव किया जाएगा? नसीना, मैंने पहले भी कहा है देश के हित का सम्मान का सेवा का एजेंडा वही आरएसएस का एजेंडा है जहां तक मेरी जानकारी में है। तो ये आरएसएस का ही एजेंडा नहीं है, देश का एजेंडा है और देश के एजेंडे को सबको मानना पड़ेगा। राजस्थान में लागू होगा सर? तो पूरे देश का एजेंडा राजस्थान क्यों लागू होगा? कब तक ये राजस्थान देश में ही है और देशों में लागू है सर? सिलेबस कब चेंज होगा राजस्थान में? देखो सुनो, मैं कोई भी सिलेबस में चेंज करने का अभी पक्षधर नहीं हूं, लेकिन जहां इस प्रकार से विवादित अंश हैं और जिनको जानबूझ करके हमारी जो अभी पीढ़ी है उसको गलत दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं या हमारे पूर्वजों के बारे में भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं और महापुरुषों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं ऐसे अंश हैं तो उनको हटाना चाहिए। जैसे अकबर महान है साहब, क्यों महान है अकबर? वो तो मीना बाजार लगाकर माँ बहन को उठा के ले जाता है, बलात्कारी था, महान कैसे हो सकता है? और फिर महाराणा प्रताप रहे, अकबर युद्ध कर रहे हैं, तो महाराणा प्रताप तो हमेशा देश के लिए मेवाड़ के लिए लड़े हैं, तो उनसे आगे झगड़ा करने वाले तो देश का हितकारी कैसे हो सकता है? मैंने सुना था कुछ साल पहले कि साहब कुछ पुस्तकों में ऐसा ही पढ़ा जाता था कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह तो आतंकवादी है, हमारे देश ऐसे क्रांतिकारियों को देशभक्तों को आतंकवादी पढ़ाएंगे तो हमारे लोगों बच्चों के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी दिशा क्या हो जाएगी? वीर सावरकर तो देशभक्त है ही नहीं, ये कैसे मान लेंगे हम? और वो तो पहाड़ी चुहा थे शिवाजी, पड़ा है। ऐसे अंश होंगे तो हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन अंशों को हम विलोपित करें।